तो फ्रेंड अगर आपके फेसबुक पेज पर फॉलोअर्स गेन नहीं हो रहे हैं, आपको 1-2 महीने हो गए हैं आपका फेसबुक पेज बनाए हुए, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल भी 1 या 2 भी फॉलोअर्स आपको नहीं मिले हैं, या फिर अपनी भाषा में कहें कि बहुत ही कम फॉलोअर मिले हैं, आप यहाँ पे 100+ भी फॉलोअर क्रॉस नहीं कर पाए हो, तो फ्रेंड आज की वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक तरीके में अगर आप काम कर रहे हो फिर भी आपका जो फेसबुक पेज है वो ग्रो नहीं कर रहा है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। मतलब लोग आपके कॉन्टेंट को देख तो रहे हैं लेकिन वो आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है कि वो आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं आपके फेसबुक पेज पर, आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ। फ्रेंड बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट में आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूं। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो फ्रेंड अब बात करते हैं कि आखिरकार कब लोग अपने फेसबुक पेज को फॉलो करते हैं, यानी कि उन्हें क्या लगता है ऐसा कि भाई वो आपको फॉलो करें। सबसे पहली बात तो आपको ये फोकस करनी है कि आप ऐसा कौन सा कंटेंट अपलोड कर रहे हो कि जो उनको बहुत ज्यादा पसंद आए और वो आपको फॉलो करें, ऐसा कौन सा कंटेंट है आपके पास। तो ये आपको फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड। अब यहाँ पे होते क्या है कि आपका जो कंटेंट होता है वो किसी एक कैटेगरी पे नहीं होता है। अब मान लीजिए कि आपने कभी वॉकिंग का वीडियो डाल दिए, कभी आपने कहीं का सीन ले लिया वो वीडियो बना के डाल दिए, कभी आपने कोई पोट्री की वीडियो डाल दी, कभी आपने डांसिंग की कोई वीडियो डाल दी अपनी, तो फ्रेंड आप एक तरीके की नीच पर काम करिए, यानी अपनी भाषा में कहें एक तरीके की कैटेगरी पर काम करिए। सबसे पहले आपको आपके फेसबुक पेज की कैटेगरी को सेट करना है, मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड आपको मिस्टेक नहीं करनी है, कैटेगरी को सेट कैसे करना है वो मैं आपको प्रॉपर स्क्रीन पर बता रहा हूँ, इसलिए आपको मिस्टेक नहीं करनी है। और जिस तरीके की वीडियोज़ आप अपलोड करोगे अपने फेसबुक पेज पर उसी तरीके की वीडियोज़ ही आपको शुरू से लेकर एंड तक अपलोड करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन अलग तरीके की वीडियोस अपलोड कर दी अलग कैटेगरी की और दूसरे दिन आप अलग कैटेगरी की वीडियो अपलोड कर रहे हो, फ्रेंड ऐसी मिस्टेक नहीं करना है। आपको एक ही तरीके की कैटेगरी को बना के एक ही तरीके की वीडियोस को अपलोड करना है अपने फेसबुक पेज पर। अब देखिए यहाँ पे आपको फॉलो क्यों करेंगे लोग, इसलिए फॉलो करेंगे क्योंकि जब उनको लगेगा कि यार ये बंदा जो है एक ही तरह का कॉन्टेंट अपलोड करता है, एक ही तरीके का कॉन्टेंट अपलोड करता है जो कि हमको पसंद है, अगर सिंगिंग का है, अगर आपकी पोइट्री का है, या फिर कोई भी नेचुरल है, ब्लॉगिंग है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पे आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो एक ही बेसिस का होना चाहिए, एक ही कैटेगरी का होना चाहिए, तब जाके लोग आपके पेज को फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि इनका जो कंटेंट है वो हमारे काम का है, हम इनको पसंद करते हैं इस कंटेंट को। लेकिन अब होता क्या है भाई कि कोई बंदा आपकी प्रोफाइल पर विजिट किया है और आपके जो प्रोफाइल है जो आपने वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वीडियोस को अपलोड करके रखा हुआ है, तो फ्रेंड ऐसे में उनको प्रॉब्लम होती है, उनको समझ में नहीं आता यार कि ये बंदा आखिर बनाता क्या है इस फेसबुक पेज पर, ये बंदा अपलोड क्या करता है। तो फ्रेंड आपको परेशान नहीं होना है, आपको एक ही कैटेगरी की वीडियोज़ को बनाना है, तब जाके आपको लोग फॉलो करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कॉन्टेंट में आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू सो मच।